सही रहता है बनाने में, पता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट मैं ऑफिस से आई हूँ और मैंने चाय वगैरह पिया एंड मुझे मिला एक पार्सल जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये मेरा अभी पार्सल रिसीव हुआ है और मैंने मंगाया है एक ये रोलर। मुझे ना एक साथ तीन चीज़ें मिली हैं, कॉम्बो का पैक था इसमें। तो ये फेस रोलर मिला है, इधर हम अपने आईज में भी रोल ऐसे कर सकते हैं और फेस का रोलर है, और ये एक चीज़ ये है, और थर्ड है ये है आईज, इसमें अपना बर्फ जमा के और फिर अपने फेस में रोल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे करो तो बहुत ठंडा लगता है और प्रॉपर हो भी नहीं पाता है। तो ये मैंने मंगाया है, तीन चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं और मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं बाहर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रेडी होके बाहर चलते हैं, कुछ काम है मुझे तो वो करके फिर आते हैं घर। और फ्रेंड्स, रात में ऐसे मल्टी में ना नीचे बहुत अच्छा लगता है, बट हम ऐसे कभी आते ही नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और निकालना था गैस का काम था, फिर आ गए हम कुछ खाने के लिए। और देखिए स्कूटी ऐसी हो गई है, परमानेंट हो गई है मेरी, चालू हो गई है तो बंद ही नहीं हो रही है। बहुत बड़ा तमाशा है। ये ना तो चालू होती ना बंद होती। और यहाँ पे हम मंगाए थे नूडल्स, यहाँ पे नूडल्स थोड़ा सा अच्छे मिलते हैं। वैसे इंदौर के नूडल्स तो मुझे पसंद नहीं है, बहुत मोटे मोटे से नूडल्स होते हैं, बट यहाँ पे पतले नूडल्स मिलते हैं। और फ्रेंड्स मैं आ गई घर। फ्रेंड्स अभी नहा के जस्ट बाहर से आई हूँ और नहाई हूँ मैं, मतलब पहले खाना बनाया है इसके बाद नहाई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, सीरियसली। तो नहाने के बाद अब साथ में अपना स्किन केयर करेंगे। और अगर आप सीरम देख रहे हैं ना, तो मैंने डॉट एंड की का सीरम लगाया है और आई थिंक ये सीरम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइट वेट है और अच्छा सीरम है। मैंने एक और ऑर्डर किया है साथ में, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट भी ख़त्म हो गया है मेरा सीरम। और तो फ्रेंड्स बस यही कहना था कि ना सच में कब क्या हो जाए ना, कुछ समझ में नहीं आता, सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आता कब क्या हो जाए। मैंने कल एक वीडियो ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि यार बहुत परेशान हूँ और ऐप चालू नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाया ना और बैठी थी लेके, मतलब बहुत परेशान ही थी क्योंकि वीडियो ऑफकोर्स वीडियो नहीं बन रहे थे तो परेशान थी। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाया ना, उसी टाइम 10:30 बजे अपडेट आ गया उधर से कि ऐप इज वर्किंग। तो मैं ना इतना सच में मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, सीरियसली। मतलब फिर मैंने तुरंत वो कॉमेडी वीडियो बनाया और आज जाके मैंने पोस्ट किया उसको, तो वो अलग ही आज का सेटिस्फेक्शन था और कल कुछ और था। तो इसी को बोलते हैं अप एंड डाउन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, कभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो सही है, लेकिन टेंशन तो होती ही है यार, अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो बहुत टेंशन होती है और मैं तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लेती हूँ। बट थैंक यू सो मच यार कि आप लोग इतना पेशेंस बना के रखे। अगर कॉमेडी चैनल वाले व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना पेशेंस बनाया और मुझे समझे। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी यार कि ना कभी भी मतलब सारी चीज़ें होती हैं, मैं ये ज्ञान नहीं दे रही हूँ कि कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर गिव अप नहीं करो तो भले कितना भी मन करे कि यार छोड़ दो सारी चीज़ें, अब कुछ नहीं हुई हो, फिर भी एक उम्मीद तो रहनी चाहिए, क्योंकि वही एक उम्मीद बहुत सारी चीज़ें एकदम पलट देती है। और सीरियसली मैं ना मुझे बहुत बार मन किया कि जिस
ऐप के थ्रू मैं वीडियो बनाती हूँ उसको मैं डिलीट कर दूँ, बिल्कुल भी मैं एकदम बहुत ना गुस्सा आ रही थी सारी चीजों में और बहुत बहुत इरिटेशन हो रही थी, बट फिर भी मैंने उस ऐप को रखा। और अभी ऐसा बोला गया है उसमें कि ओल्ड ऐप को ही आप उसमें वर्किंग कर सकते हो, नया कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो अगर इन केस मैं उसको डिलीट कर देती तो मैं अभी भी कुछ काम नहीं कर पाती, बट थैंक गॉड मैंने डिलीट नहीं किया। तो बस यही था आज का मेरा एजेंडा या बताने का कि प्रॉपर वर्क भी मतलब अभी वर्किंग है, मतलब इतना तो ठीक नहीं हुआ है, एकदम प्रॉपरली एकदम नहीं ठीक है आप, लेकिन फिर भी हम उसमें काम धीरे धीरे कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें अभी अच्छे से सही नहीं हुई हैं आपकी, उसमें जो उनकी टीम है उसमें वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो यही है, उम्मीद मत छोड़ो क्योंकि वो लास्ट चांस ना बहुत सारी चीजें चेंज कर देता है, और वो लास्ट उम्मीद ना बहुत सारी चीजों को एकदम बोलते हैं ना कि एक तिनका भी डूबते हुए अगर तिनका सहारा, तो वही तिनका जब आ जाता है ना तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो बस यही है कि किसी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड इसके पहले मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें थोड़ा सा मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं चाहती हूँ कि और सपोर्ट करें और प्यार दिखाएं, और बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी, और वीडियो पसंद आया हो तो बाकी सारी चीज़ें लाइक कमेंट शेयर करना है। एंड मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही जल्द आप लोगों को अपने वीडियो में।